हाय एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करिए हमारे न्यू अपडेट के लिए। हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बालों को कलर कराते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें। आजकल बाल कलर करवाना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, पर कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरत बन गया है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 75% लेडीज अपने बालों में कलर करवाती हैं। स्मार्ट और स्टाइलिश लुक के लिए अब चाहे जो करना पड़े, अब कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। बालों के साथ भी अब कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन लोग प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में लापरवाही कर रहे हैं। कुछ लोगों को इन सब की जानकारी भी नहीं होती, फिर भी वो लोग फैशन के लिए अपने बाल कलर करवाते हैं, जो कि बहुत हानिकारक हैं। हेयर कलर करवाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर बालों को सावधानी से कलर ना करवाया गया हो तो उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँच सकता है। अगर आप भी बाल कलर करवाने का मन बना रहे हैं और इस कंफ्यूजन में हैं, तो आइए हम आपको बता दें बालों को कलर करवाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बालों को कलर करवाते वक्त सबसे पहले ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आपका कलर अमोनिया फ्री हो। हेयर कलर में अमोनिया होता ही है, लेकिन डाई में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। बालों को कलर करवाने से पहले आपको एलर्जी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कलर या डाई बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अगर आपको अमोनिया युक्त डाई सूट ना करे तो आप प्रोटीन युक्त डाई का यूज़ भी कर सकती हैं। अगर अमोनिया युक्त प्रोडक्ट का यूज़ करना आपकी मजबूरी है तो स्टील कैप का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। हेयर कलर करना इजी नहीं है। कलर करवाने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे कि एलर्जी, डैंड्रफ, तो कलर ना ही करें तो अच्छा है। हेयर कलर टाइप्स में नेचुरल कलर, टेम्प्रेरी कलर और परमानेंट कलर होता है। हेयर कलर कई तरह के होते हैं, जैसे कि बरगंडी, डार्क ब्राउन, रेड, नेचुरल, गोल्ड, चॉकलेट, चेरी ब्राउन, रेड एक्सेट्रा। कलर चूज करते समय आप हमेशा अपने पर्सनालिटी का ध्यान जरूर रखें। अगर आप घुंघराले बालों को स्ट्रेट करना चाहती हैं तो कलर करवाने के 15-20 दिनों के बाद ही ऐसा करवाएं। दोनों एक साथ करने से बालों पर केमिकल का असर ज़्यादा होने लगता है, इसे बाल रूखे और डैमेज हो सकते हैं। बालों को कलर लगवाने के लिए ज़रूरी है कि आप 4-5 महीने पहले बालों में मेहंदी ना लगाएं। तेज़ धूप पड़ने से बालों को बचाएं, क्योंकि इससे बाल रूखे और रंग हल्के हो सकते हैं। बालों को मंथली एक बार डीप कंडीशनिंग करें और हर शैम्पू के बाद कंडीशनर का यूज़ करें। आमतौर पर हेयर कलर बालों में चमक लाने, नया लुक पाने, सफ़ेद बालों की परेशानी को दूर करने, बालों को पहले से बेहतर बनाने और बालों में जान डालने के लिए किया जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हेयर कलर हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही हो। हेयर डाई से होने वाला एलर्जिक रिएक्शन मामूली असर वाला या फिर गंभीर दोनों हो सकता है। अगर कलर करने के बाद आपके माथे, कान, गर्दन के पीछे सूजन और आँखों में जलन की शिकायत होती है तो ये एलर्जी का गंभीर मामला हो सकता है। एलर्जिक अटैक से बचने के लिए पैच टेस्ट अच्छा सजेशन है। पैच टेस्ट किसी प्रोडक्ट के लिए आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को दिखाता है। इसके साथ ही आपको एलर्जिक रिएक्शन से भी बचाता है। इसलिए हेयर डाई का मिक्सचर बनाते वक्त लेबल पर दिए गए निर्देशों को पढ़ लें। अगर आप हेयर डाई को दिए हुए टाइम से ज़्यादा लगा कर रखते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन होने का खतरा लगता है तो किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए पानी से अपने बालों को धो लें। इससे हेयर कलर आपके बालों से साफ हो जाए। अगर फिर भी आपके बालों में कोई केमिकल रह गया है तो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू से इसे हटा सकते हैं। अगर आपने अभी तक कोई हेयर कलर नहीं करवाया है और फ्यूचर में करवाना चाहते हो तो इन बातों को ज़रूर याद रखें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।